Yes, students. Now I'm going to share screen with you. Yes, Bhumika, is it visible? Is it visible, beta? Yes. Bhumika, is it visible to you? Keep a mic on. Yes. Okay, thank yes, you. Ma'am. Yes. So students, we are celebrating 75 years of independence, and this year it is celebrated as Azadi Ka Amrit Mahotsav. Agar aaj ki young generation se hum poochte hain na beta, aapke liye azadi kya hai? तो बच्चे आज की आजादी, आपके लिए आजादी का मतलब क्या है कि नो इंटरफेरेंस शुड बी इन योर लाइफ बाय एनीवन. आप लोगों का ये मानना है आजादी मतलब आपके लिए, ठीक है, नो इंटरफेरेंस एट ऑल. बट 1947 से पहले उस टाइम की यंग जनरेशन के लिए आजादी का मतलब था आजादी, फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल मीन्स कॉलोनियल रूल. तो आप सब बच्चों ने नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर पढ़ा बच्चे, जिसमें इवन आपने देखा होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर में भी, विद द कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स वी वर एक्सप्लॉयटेड बाय दिस कॉलोनियल रूल फॉर मोर देन 300 इयर्स. एंड द कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स इन आर कंट्री, द कमिंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन आर कंट्री, सम दे आर सेइंग दिस इज अ ब्लेसिंग एंड सम दे आर सेइंग दैट दिस वाज अ कर्स. सो बोथ काइंड ऑफ डेवलपमेंट्स अकर. People were exploited, and in the year 1857, you have read in the 8th class also when people revolt. Okay, and agar freedom fighters ka naam jab bhi aapke samne aata hai, to first name aata hai Mangal Pandey. 1857 ke revolt mein Mangal Pandey was the first person who revolted in the army, and after that many freedom fighters aapne unke name sune hain, they were hanged till death. Okay, even so many many freedom fighters were killed by the British police also, because what they were demanding, they were demanding independence, they were demanding freedom. But you know, jin logon ne independence lene ke liye apni life, apni families ko sacrifice kar diya, they were not able to see the new era of independence. Matlab jis time ki wo imagination ya dream ya wo expect kar rahe the, theek hai, वो उस टाइम को ना देख पाए, ना ही सेलिब्रेट कर पाए, और ना ही उनकी फैमिलीज देख पाई. क्लियर? सो हम ये कहते हैं कि आजादी जो है वो सिर्फ 15 अगस्त को व्हाट्सएप में एक स्टेटस लगाने से ही आपकी पैट्रियोटिज्म फीलिंग जो है सिर्फ इतनी ही नहीं होनी चाहिए, या 26 रिपब्लिक डे पे आपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लिया. सब बच्चे लगाते हैं स्टेटस, फ्लैग का स्टेटस लगाते हैं, और नेक्स्ट डे चेंज हो जाता है. इट मीन्स वो आजादी, देशभक्ति आपको सिर्फ एक दिन ही याद दिलाती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. वी शुड रिमेम्बर दीज फ्रीडम फाइटर्स, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन आर हार्ट फॉर एवर. ठीक है, और वो तभी हो सकता है कि हम उनकी वैल्यूज, ठीक है, जो उनकी लाइफ है, उनकी जो भी उनकी वैल्यूज हैं, उनको प्रॉपरली हम अपनी लाइफ में इंकल्केट करें. जो मॉरल वैल्यूज उन्होंने अपनी लाइफ में इंकल्केट की थी. ठीक है, सो this slide is at that time when Pandit Jawaharlal Nehru gave his speech. आपको पता है कितने बजे दी थी? रात के 12 बजे, 15 अगस्त, है ना? तो आप सोचो कि next जो 15 अगस्त जो था, ठीक है, वो कितना important day होगा. और Pandit Jawaharlal Nehru के first word क्या थे? At the stroke of midnight, यानी कि आज रात 12 बजे के बाद इंडिया जो है आजादी का पहला सूरज देखे, तो वो इम्पोर्टेंट डे और इम्पोर्टेंट जो है वो सेलिब्रेशन कितनी इम्पोर्टेंट होगी. एंड एवरी ईयर प्राइम मिनिस्टर होस्ट इंडियन नेशनल फ्लैग, ठीक है, कहाँ पे, कहाँ पे करते हैं? रेड फोर्ट. ठीक है, सो अल्टीमेटली ये उस इवेंट को जो है, उस इवेंट को याद करने के लिए सेलिब्रेशन की जाती है. इवन दिल्ली के स्कूल के बच्चे जो हैं इसमें ट्राई कलर यूनिफॉर्म में पार्टिसिपेट करते हैं, एंड में नेशनल एंथम प्ले किया जाता है.
तो कल भी नेशनल एंथम प्ले किया जाएगा, लेकिन ये नेशनल एंथम कौन सा होगा जो हम सभी इंडियंस ने रिकॉर्ड किया, उस सभी रिकॉर्डिंग की कॉमन रिकॉर्डिंग बनाई जाएगी और प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बाद ये नेशनल एंथम जो है वो सभी इंडियंस की रिकॉर्डिंग को मिलाकर एक कॉमन वॉइस बनाई जाएगी टू मेक वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है कि हाउ मेनी पीपल, उनके पास सारे सर्टिफिकेट्स हैं, उनके पास नंबर है, ठीक है। तो इट मीन्स वी आर मेकिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड टू सिंग आवर नेशनल एंथम, और ये कंबाइंड वॉइस जो है वो कल नेशनल एंथम यानी कि रेड फोर्ट पे फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी और स्पीच के बाद प्ले किया जाएगा, तब आप सुनोगे। इवन एयरपोर्ट, जो एयरपोर्ट है ना वहां पे भी उस टाइम पे हमें ये प्ले किया जाएगा। यस, वो सारी आवाज को रीमिक्स किया जाएगा, वॉइस को रीमिक्स किया जाएगा, मीन्स आपको अपनी आवाज नहीं सुनेगी, ये रीमिक्स रीमिक्स फॉर्म में जो है ये होगा, ये यही आपने देखना कल। एंड यस, एंड प्लीज सेंड मी मैसेज आफ्टर लिसनिंग दिस हाउ यू आर फीलिंग। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी आर मेकिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है हमने कि इंडिया जो हाईएस्ट पॉपुलेशन कंट्री मानी जाती है उन लोगों में इतनी यूनिटी है कि वो अपने नेशनल एंथम को कैसे कंबाइन, अदरवाइज कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे हम सभी इकट्ठे नेशनल एंथम गा सकें। तो दिस इज अ काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म जिसमें हमने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया एंड वी रिसीव आर सर्टिफिकेट ऑल्सो, क्लियर। अदरवाइज नो नीड टू सर्टिफिकेट ऑल्सो, हम अगर पार्टिसिपेट करते हैं, अगर सर्टिफिकेट ना भी मिलता तो इट वॉज आर ड्यूटी, ठीक है। यस, सो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन महात्मा गांधी जी का नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, जो अपने मूवमेंट्स पढ़ी जिसमें उन्होंने मास लेवल पे, ठीक है, लोगों को जो है सत्याग्रह के लिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, डू और डाई, करो या मरो, बहुत सी ऐसी मूवमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट की गई। एंड वन मोर थिंग, इंडिया डिवाइडेड इंटू टू नेशन, इंडिया एंड पाकिस्तान आल्सो ऑन दिस डे सेपरेट कंट्रीज बन गई, ठीक है। एंड दिस डे इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल हॉलीडे। इसके अलावा नेशनल हॉलीडे कौन सा है, 26 जनवरी, गांधी जयंती, ठीक है। रेड फोर्ट की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों रेड फोर्ट जो है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली, ठीक है। और नेक्स्ट, नाउ आवर ड्यूटी इज टू टेक अ प्लेज। सो आप सब बच्चों ने मेरे पीछे बोलना है, ठीक है, ऑन दिस इंडिपेंडेंस डे लेट्स टेक प्लेज, वी विल become responsible and good citizens of our country and will make every effort to make it the best country in the world. Vande Mataram. Thank you students. Yes, you will enjoy this Independence Day. Clear? Thank you. Yes, so now I'm going to unmute one of you and I want to know what you feel about independence. Anyone, first of all raise your hand. What according to you is Independence Day? How we should celebrate Independence Day? Hame kaise Independence Day celebrate karna chahiye? What is your role? Yes, anyone? क्या इंडिपेंडेंस डे सिर्फ एक दिन के लिए व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने से खत्म हो जाता है? तो व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन, व्हाट शुड बी योर कंट्रीब्यूशन एज अ स्टूडेंट, व्हाट यू कैन डू? हाँ जी, हेल्प द पू, वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम, वेरी गुड बेटा, हेल्प द पुअर पीपल, यस, बिकॉज आई, ओके बच्चे, ये जो भी है नो डाउट हम ये कहते हैं कि हमारी कंट्री में many poor people they are living, उनके लिए इंडिपेंडेंस क्या है? उनके लिए इंडिपेंडेंस का मतलब है उनको एटलीस्ट खाना मिले, और गवर्नमेंट इज डूइंग एफर्ट, बट स्टिल वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द सिटीजन्स, एज यू द स्टूडेंट्स, यू कैन हेल्प द पुअर पीपल ऑल्सो। इंडिपेंडेंस डे में सिर्फ ट्राई कलर केक काट लेने से, स्टेटस लगाने से ही इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट नहीं होता, वी शुड हेल्प द पीपल। अगर हमें भगवान ने दिया है तो हम आगे दें ताकि हम उनकी हेल्प कर सकें। Clear? Very good. Educate the poor students. Very good.
yes, by giving them stationery items, those who can't afford, ठीक है, आप उनको stationery items दे सकते हो, ठीक है, जिनके पास money नहीं होता इनको खरीदने के लिए. हाँ जी, क्लोज, यस, वेरी गुड, आप उनको क्लोज दे सकते हो. इवन इंडिपेंडेंस डे पे नहीं, आप अपने बर्थडे सेलिब्रेशन भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है, वेरी गुड. सो दिस इज वेरी गुड बच्चे, अगर आप ऐसा सोचते हो तो इट मीन्स हमारी जो यंग जनरेशन है वो सेफ हैंड्स में है, आप फ्यूचर हो, है ना. पंडित जवाहरलाल नेहरू के वर्ड से ना, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, ठीक है. तो फ्यूचर जो है वो कंट्री का तभी सिक्योर एंड सेफ होता है जब लोग आने वाली जनरेशन के बारे में सोचते हैं. वेरी गुड. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस आवर चैप्टर, दैट इज यूनिफिकेशन. टुडे आई विल कवर यूनिफिकेशन. यस्टरडे बच्चे आई हैव डिस्कस विद यू फाइव रिवोल्ट्स. हाँ जी बच्चे, थ्री यूनिफिकेशंस वी हैव कंप्लीटेड इन दिस चैप्टर. नंबर वन जर्मनी, नंबर टू इटली, एंड नंबर थ्री ब्रिटेन. व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वन मार्क क्वेश्चंस, एट दैट टाइम यू हैव टू रिमेंबर द इंपॉर्टेंट डेट्स, करेक्टर्स, आपने करेक्टर्स नेम याद रखने, ठीक है. तो सबसे पहले जर्मनी, जर्मनी की यूनिफिकेशन. यूनिफिकेशन का मतलब है कि जर्मनी अर्लियर वॉज डिवाइडेड इंटू सो मेनी फ्रेगमेंटेड एरियाज. जर्मनी नेशन नहीं था, ये आपने 1848 का जो फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग है उसमें आपने देखा होगा कि फ्रांस वॉज नियर द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, बट जर्मनी वॉज एट द बैक, मीन्स फोर्थ नंबर पे था. इसका मतलब है अभी भी यहाँ पे मोनार्की सिस्टम था. तो अब हमने जर्मनी के बारे में पढ़ना. जर्मनी की यूनिफिकेशन हुई थी बेटा टू फेज, फर्स्ट एंड सेकेंड. फर्स्ट फेज को हम याद करते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एंड सेकेंड फेज को हम याद करते हैं बिस्मार्क, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बिस्मार्क. यानी कि जर्मन यूनिफिकेशन में जो है इसमें बिस्मार्क का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है. तो इसको आर्किटेक्ट भी कहा जाता है, जर्मनी का आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन. वन मार्क क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन? बिस्मार्क. लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बुलाई गई लेकिन ये फेल हो गई. फेल का मतलब सक्सेसफुल नहीं हुई, जर्मनी यूनिफाइड ही नहीं हुआ, ठीक है. क्यों नहीं हुआ, रीजन क्या था, पहले हमने वो पढ़ना है. फर्स्ट फेज फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, सबसे पहले इसका टाइम पीरियड बच्चे आपको नोट करना है, 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट सिटी में, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट सिटी में पार्लियामेंट का मतलब होता है काइंड ऑफ असेंबली. असेंबली जो थी That was called, इस असेंबली में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स याद रखो, कितने मेंबर्स ने अटेंड की, 831, ठीक है. और ये चर्च, ये उस टाइम पीरियड में चर्च में बुलाई गई थी, चर्च का हॉल था. चर्च का नाम क्या था, सेंट पॉल. मेन वर गिवन परमिशन बट वुमेन नॉट. ये आपको फर्स्ट आपने नाइन्थ में पढ़ा था ना, जब स्टेट जनरल की मीटिंग, ठीक है, उसमें क्या था, थर्ड एस्टेट के लोगों को चेयर नहीं मिली. इसमें क्या याद रखोगे, मेन वर गिवन परमिशन बट विमेन वर नॉट गिवन परमिशन टू सिट इन द असेंबली. क्लियर. अब इस मीटिंग को बुलाने का मोटिव क्या था, लिबरल पीपल जो लिबरलिज्म चाहते थे, लिबरल एजुकेटेड भी कहते हैं, मिडिल क्लास भी कहते हैं.
educated middle class liberal people, they demanded that constitution should be there. इनकी डिमांड क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशन. सेकेंड इनकी डिमांड क्या थी? पार्लियामेंट बनाई जाए. थर्ड डिमांड क्या थी? हाँ, वुमेन शुड बी गिवन राइट टू वोट एंड मोनार्क यानी कि किंग की पावर्स को क्या किया जाए? लिमिट. पावर्स ऑफ किंग शुड बी लिमिटेड. लेकिन जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस टाइम पीरियड में जर्मनी जो थी, जर्मनी का नाम जर्मनी नहीं था, क्या था? प्रशिया. प्रशिया के किंग उस टाइम पे भी, प्रशिया के किंग कौन थे? हु वॉज द किंग ऑफ, यस, हु वॉज द किंग ऑफ प्रशिया एट दैट टाइम? फ्रेडरिक विलियम. पूरा नाम लिखो, फ्रेडरिक. फ्रेडरिक विलियम फोर्थ. जिस टाइम पीरियड में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बुलाई गई उस टाइम पीरियड में प्रशिया के किंग कौन थे? फ्रेडरिक विलियम फोर्थ. ही वॉज नॉट एक्सेप्टिंग द प्रपोजल, यानी कि वो ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है? एंड दैट्स व्हाई ही रिजेक्टेड द प्रपोजल. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से मना कर दिया, पार्लियामेंट यानी कि अपनी पावर्स को लिमिट करने में मना कर दिया. एंड दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट गॉट फेल, सक्सेसफुल नहीं हुई, क्योंकि ये बच्चे कोई भी किंग नहीं चाहेगा कि उसकी पावर्स को क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए. वो अलग बात है कि लुई 16th ने 1789 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की परमिशन दे दी थी, लेकिन 1791 में उसने क्या किया? ही मेड सीक्रेट नेगोशिएशंस विद प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया टू डिक्लेयर वॉर इन देयर ओन कंट्री अटैक करने की. लेकिन फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ही वाज नॉट इन कंडीशन टू डिवाइड हिज पावर्स. तो उसने क्या किया, इसमें जो भी प्रपोजल जो उन्होंने रखा उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, और प्रशिया जो कंट्री थी वो सेम मोनार्की सिस्टम रहा और डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बन पाई. तो अब याद रखो 1848 की फ्रेडरिक पेंटिंग में जर्मनी अभी भी वहां पे क्या था? मोनार्की सिस्टम, ठीक है? ना वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बना, ना ही प्रॉपर पार्लियामेंट थी, ना ही वोटिंग राइट्स दिए गए वुमेन को, और ना ही वहां पे डेमोक्रेटिक आइडियाज आए, ठीक है? एंड उस टाइम पीरियड में अलग अलग कंट्रीज, जो अलग अलग एरियाज, आज के टाइम पीरियड में तो जर्मनी है, ये जर्मनी उस टाइम पीरियड में प्रशिया नाम था, और इट वॉज डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ जर्मन स्पीकिंग एरियाज. बच्चे बीच में आवाज नहीं, ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स है ना 831 रिप्रेजेंटेटिव्स, इनका ये मानना था कि यूरोप में जितने भी जर्मन स्पीकिंग एरियाज है ना, उन एरियाज को कंबाइन करके फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के अंडर लाया जाए. बच्चे आवाज मत है, ठीक है? इनका रिप्रेजेंटेटिव्स का ये मानना था कि जर्मन स्पीकिंग एरियाज को कंबाइन करके एक पर्टिकुलर किंग यानी कि फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के अंडर रखा जाए. पर किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल. उसको ये लगा कि अगर वो इस चीज को मान जाएगा तो उसकी पावर्स लिमिट, पावर्स को डिवाइड कर दिया जाए. दिस वॉज फर्स्ट फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, फर्स्ट फेज ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन. अब हम करते हैं सेकेंड फेज ऑफ जर्मन, विनीत काम इधर आ जाओ. सेकेंड फेज ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन. अब ये टाइम पीरियड जो था, इस टाइम पीरियड में आगे जाकर किंग चेंज हो गए, ठीक है? जैसे जैसे टाइम बीतता गया किंग चेंज हुए. अब जर्मनी के, प्रशिया के नए किंग कौन थे? काइजर विलियम वन. ही वॉज द न्यू किंग ऑफ प्रशिया. He wanted to unify all the German nation. लेकिन उन्होंने पॉलिसी कौन सी अपनाई? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की नहीं, बल्कि कौन सी पॉलिसी अपनाई? वॉर एंड ब्लड पॉलिसी. इसका मतलब है कि अलग अलग एरियाज पे अटैक करके उन एरियाज को अपने अंडर करना. और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है किसने प्ले किया? बिस्मार्क जो इनके चीफ मिनिस्टर थे प्रशिया. At that time, Bismarck was the chief minister of Prussia under Kaiser William I. इसने क्या किया? Wars जो हैं वो लड़ी. कितनी wars लड़ी? किन countries के साथ? आप याद रखो, 3 wars in 7 years. Completed in 7 years. 3 wars were fought within 7 years. 3 countries याद रखो. कौन कौन सी countries के साथ? ADF ऐसे याद रखो. ADF. ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस. इन कंट्रीज पे अटैक किया गया
और इन कंट्रीज में जितने भी जर्मन स्पीकिंग एरियाज थे उन एरियाज को किसका पार्ट बनाया गया? प्रशिया। एंड इन दिस वे यूनाइटेड जर्मनी वॉज फॉर्म्ड एंड काइजर विलियम वन वॉज डिक्लेयर्ड एज अ न्यू किंग ऑफ यूनाइटेड जर्मनी। उनकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस में उन्होंने जर्मन स्पीकिंग एरियाज को यूनिफाइड किया, ठीक है, और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ना ही पार्लियामेंट, एंड कंट्री में अभी भी कौन सा सिस्टम था? मोनार्की सिस्टम। क्लियर? सो कंट्रीज के नाम याद रखो, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। एंड कौन से ईयर में वो किंग बने? ईयर मेंशन दो, 1871 बेटा, वो इटली का है, 1871 याद रखना बच्चे, 1871। जर्मनी वॉज यूनिफाइड इन 1871। इट डजंट मीन जर्मनी को डेमोक्रेसी कंट्री बना दिया गया, अभी भी कंट्री जो है वो जर्मनी क्या थी? मोनार्की। 1871 जर्मनी गॉट यूनिफाइड इनटू यूनाइटेड जर्मनी। और किंग कौन थे? किंग का नेम काइजर विलियम, काइजर विलियम वन। अब ये क्वेश्चन कितनी तरह से आ सकते हैं आपको, हु वाज द किंग ऑफ यूनाइटेड जर्मनी इन 1871? ओके, हु इज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी? बिस्मार्क। हु फॉर थ्री वॉर्स इन सेवन इयर्स? बिस्मार्क, बिस्मार्क। नेम द कंट्रीज विच ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। व्हाई फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वॉज फेल्ड? अगर वन मार्क में क्वेश्चन आता है तो किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल टू हैव कंबाइंड पार्लियामेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। एंड हाउ आर्मी कैन फॉर्म द नेशन? आर्मी कैसे नेशन बना सकती है? इसमें हमने बताना है, आपकी बुक में है कि आर्मी कैसे नेशन बना सकती है। एक नेशन जो है वो आर्मी के बेस पे कैसे बन सकता है? बाय वॉर एंड ब्लड पॉलिसी। क्लियर? तो दैट वॉज यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। हिटलर की पॉलिसी थी रेसिज्म, नाजिज्म, रेशियल कंट्री। उसकी पॉलिसी थी रेशियल, जिसमें उसने ज्यूइश को जो है डिपोर्ट किया था। नेक्स्ट है इटालियन यूनिफिकेशन। इटालियन यूनिफिकेशन में सबसे पहले आपने याद रखना है जो ओल्ड इटली, यानी कि जो पुरानी इटली आज के टाइम पीरियड में जो है कितनी चेंज थी। अर्लियर दीज वर डिवाइडेड इंटू सेवन स्टेट्स, these were divided into seven states. जैसे इंडिया अंडर मुगल डायनेस्टी इट वॉज डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ किंगडम्स, आपको भी नहीं याद होगा कि कितनी किंगडम्स हैं उस टाइम पीरियड में, ठीक है। सिमिलरली इटली बिफोर यूनिफिकेशन वॉज डिवाइड, वन मार्क के लिए याद रखो, इंटू सेवन स्टेट्स, ठीक है। अब इसमें करेक्टर्स मेन याद रखने हैं आपने, मैजिनी, गैरिबाल्डी, कावूर, और किंग कौन थे? किंग कौन थे? विक्टर, विक्टर इमैनुअल सेकंड। ये मेन याद रखो करेक्टर्स के नेम। इटली वॉज डिवाइडेड इंटू सेवन स्टेट्स बिफोर यूनिफिकेशन। पहले मैजनी का क्या रोल था? मैजनी इटालियन रेवोल्यूशनरी था, ये इन अलग अलग स्टेट्स को कंबाइन करना चाहता था। ये सारी इटालियन स्पीकिंग नेशंस थे, बट ईच नेशन वॉज डिवाइडेड बाय डिफरेंट मोनार्कीज, किंगडम्स अलग थी, एम्पायर अलग थी। मैजनी ने कहा इटली कुडंट बी द पैचवर्क, उसने कहा कि इटली जो है, इटालियन जो लोग हैं वो पैचवर्क में ना हो, वो क्या होने चाहिए? कॉमन नेशन होना चाहिए, पर ऐसा नहीं, ठीक है। और इसके लिए उसने क्या किया? ही फॉर्म मैनी ऑर्गेनाइजेशन, यंग यूरोप, यंग बर्न, ठीक है। एंड फॉर दैट ही वॉज गिवन एग्जाइल, ठीक है। 1831 से उसको कंट्री से निकाल दिया। तो ये इटालियन यूनिफिकेशन में कुछ खास नहीं कर पाए। इसके बाद गैरिबाल्डी, गैरिबाल्डी का एक इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है, ठीक है, जोसेफ गैरिबाल्डी। देन कावूर, कावूर कौन थे? सीएम, चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया पीडमोंट। सार्डिनिया पीडमोंट सेवन स्टेट में से एक एरिया था,
और उसके किंग कौन थे? विक्टर इमैनुअल। आप ये सोचो कि विक्टर इमैनुअल के दो मेन रिप्रेजेंटेटिव थे, गैरी बेल्डी एंड कावूर। कावूर इनके सीएम थे, चीफ मिनिस्टर, एंड गैरी बेल्डी इनके मिलिट्री कमांडर थे। और इन्होंने क्या किया, फिर वन बाय वन इन सभी सेवन स्टेट्स में जो भी फॉरनर्स, यानी कि जो भी इन स्टेट्स को जिन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ था, कॉलोनीज बनाया हुआ था स्पेनिश रूलर से, कई स्टेट, सम स्टेट्स वर अंडर स्पेनिश कंट्रोल, सम स्टेट्स अंडर यू कैन से ऑस्ट्रिया, कुछ स्टेट्स ऑस्ट्रिया के अंडर थी, एंड वन बाय वन दे ऑल्सो फॉट अ वॉर। गैरी बेल्डी और कावूर ने क्या किया, इन स्टेट्स को वन बाय वन, ठीक है, रिवोल्ट किया, रेवोल्यूशन किया, और आर्मी की हेल्प से इन सभी स्टेट्स को एक कंबाइन कंट्री बनाया। कौन से ईयर में? 1861। और यूनाइटेड इटली के किंग कौन बने? विक्टर इमैनुअल। वन ऑफ द, पहले ये सेवन स्टेट्स में से किसी एक पर्टिकुलर एरिया के किंग थे, सार्डिनिया पिडमोंट, लेकिन बाद में उसको कंबाइन कर लिया गया और 1861 में यूनाइटेड इटली बना। और यूनाइटेड इटली के किंग कौन थे? विक्टर इमैनुअल। तो तीन आपने क्वेश्चंस मेन याद रखो, ईयर 1861, हु बिकेम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली? विक्टर इमैनुअल। एंड नेम द यू कैन से इंपॉर्टेंट पीपल हु कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट, आपको रिकॉग्नाइज करना, लाइक गैरी बेल्डी, ठीक है, कावूर, पूरा नाम क्या था इसका? जोसेफ गैरी बेल्डी। इसका नाम क्या था? काउंट कैमिलियो डी कावूर। और मैजनी, जोसेफ मैजनी, विक्टर इमैनुअल सेकेंड, ठीक है, क्लियर। आगे आ जाओ थर्ड, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। क्यों स्ट्रेंज केस कहा गया? क्योंकि ब्रिटेन जो है इसमें कोई वॉर नहीं हुई, दोनों यूनिफिकेशन आपने पढ़ी है वॉर के बेस पे जीती, पहली भी जर्मनी भी और इटली भी। थर्ड जो है दैट इज स्ट्रेंज केस, बिना वॉर के जीता, रीजन क्या था? आज के टाइम पीरियड में जिसको हम यूके कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, अर्लियर दिस वॉज नॉट यूनाइटेड, दिस वॉज डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल किंगडम्स, ठीक है। कौन कौन सी थी उनके नेम लिखो, नंबर वन इंग्लिश, इंग्लिश, सेकेंड इज वेल्स, डब्ल्यू ई एल एस एच, वेल्स, थर्ड स्कॉट, स्कॉटिश, एस सी ओ टी, स्कॉट्स, एंड फोर्थ आयरिश, आई आर आई एस एच। इनमें से सबसे ज्यादा मुश्किल था स्कॉटिश और आयरिश लोगों को कंट्रोल करना। अब जैसे मैंने आपको चार नेम यहाँ पे लिखवाए ना, सोचो कि इंडिया में भी ऐसे हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, ईसाई, चार लग, ठीक है। ऐसे ब्रिटेन में याद रखो, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट्स एंड आयरिश। सबसे ज्यादा मुश्किल क्या था? स्कॉट्स और आयरिश को कंट्रोल करना। लेकिन इन चारों में से इंटेलिजेंट कौन थे? इंग्लिश, अंडरलाइन करो, इंग्लिश वर इंटेलिजेंट। रिच कौन थे? इंग्लिश, दे वर वेरी रिच, सबसे ज्यादा कम्युनिटी इनकी रिच थी। मेजोरिटी किनकी थी? इंग्लिशमैन, इंग्लिशमैन जो ब्रिटेन में रहते थे, ब्रिटेन आइलैंड, ब्रिटेन एक आइलैंड है, आइलैंड है, ठीक है। देन पावरफुल कौन थे? इंग्लिश। तो हमेशा किस जिस कंट्री में जो पावरफुल होते हैं, मेजोरिटी होती है, हमेशा उनका कंट्रोल होता है। तो एक रेवोल्यूशन जो है, काइंड ऑफ रेवोल्यूशन आया, और उस रेवोल्यूशन में 1688 में इंग्लैंड में मोनार्की सिस्टम था, आप सबको पता है, अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की काइंड ऑफ है, ठीक है, मोनार्की सिस्टम था। मोनार्की ने जो है वो पावर दी कि दैट दे विल ट्राई टू डिवाइड देयर पावर्स इन द फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट। जैसे आपको याद है लुई 16th ने अपनी पावर किसको दे दी थी? नेशनल असेंबली को। इसी तरह से 1688 में तो उस टाइम पीरियड में जो इंग्लैंड के या जो पूरे मतलब जिसमें कहते हैं कि ब्रिटेन नेशन जो है, इंग्लैंड के जो किंग थे, उन्होंने पार्लियामेंट बनाने की परमिशन दी। तो पार्लियामेंट कौन से ईयर में बनी? 1688। लेकिन इस पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मेजोरिटी किनकी थी? इंग्लिश में, एंड दे गेन मेजोरिटी। और जिसकी मेजोरिटी होती है पावर उसके हाथ में होती है, और जिसके हाथ में पावर होगी तो ऑटोमेटिकली उनकी गवर्नमेंट भी स्ट्रांग होगी और उनकी जो है डिसीजंस या जो भी वो पॉलिसीज लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट वीक आई विल डिस्कस दिस, ठीक है।